वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 19 है जो कि आपका जूलॉजी का पोर्शन है, सॉरी जूलॉजी। ठीक है, और बीएससी आपका सेकंड सेमेस्टर के लिए। ठीक, जूलॉजी बीएससी सेकंड सेमेस्टर, यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की। तो अब से पहले हमने 1 से लेकर 18 तक, ठीक है, 1 से लेकर 18 तक लॉन्ग आंसर टाइप आपके जो है क्वेश्चन हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। ठीक है, जानेंगे कि आपसे क्या पूछ रहा है और आपने क्या लिखना है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है, नाइट्रोजनस वेस्ट से आप क्या समझते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे वेस्ट पदार्थ जिनमें आपका नाइट्रोजन पाया जाता है उनसे आप क्या समझते हैं, उनको आपको लिखना है। ठीक है, कह रहा है इनमें अमोनिया, यूरिया तथा आपका यूरिक एसिड किस प्रकार बनते हैं। अब आपको ये भी बताना है कि आपका अमोनिया हो गया, यूरिया और आपका यूरिक एसिड, इनका फॉर्मेशन किस तरह से होता है। ठीक है, कह रहा है व्हाट आर द नाइट्रोजनस वेस्ट, हाउ अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर फॉर्म्ड। ठीक है, ये किस तरह से बनते हैं, और आपका अथवा और यह आपसे पूछ सकता है कि अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक तथा यूरिकोटैलिक, अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक और आपका क्या है, यूरिकोटैलिक। ठीक है, यानी कि अमोनोटैलिक वे आपके जंतु होते हैं जो क्या करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। किसका, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, यूरोटैलिक की अगर हम बात करें तो वे जंतु होते हैं जो आपका यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, यूरिकोटैलिक की अगर हम बात करें तो ये आपके वो जंतु होते हैं जो आपके यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। किसका, यूरिक एसिड। ठीक है, किसका, यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। जंतुओं से आप क्या समझते हैं ये आपने बताना है। ठीक है, जंतुओं से आप क्या समझते हैं, इनमें अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड किस प्रकार से बनते हैं ये भी बताना है। ये जो है आपका अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड ये बनते किस तरह से ये भी आपने बताना है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने आंसर लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, चलिए हम डिस्कस करते हैं आंसर के बारे में। कह रहे विभिन्न पोषक तत्वों से जो वेस्ट प्रोडक्ट मेटाबॉलिज्म की क्रिया में बनते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके, उन्हें मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। ठीक है, विभिन्न पोषक तत्व जो हम पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स जो हम ग्रहण करते हैं भोजन के माध्यम से, उन्हीं के वेस्ट पदार्थ बनते हैं किस प्रक्रिया द्वारा, आपका मेटाबॉलिक की, मेटाबॉलिज्म की क्रिया से। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो मेटाबॉलिक की अगर हम बात करें मेटाबॉलिज्म की, तो इसमें आपकी दो तरह की क्रियाएं होती है। ठीक है, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। क्या होती है आपकी, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक और आपकी कैटाबॉलिक। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रियाएं एक ही बायो की टर्म में हम क्या कहते हैं उसको, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, जिसमें आपकी दो क्रियाएं होती हैं, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। ठीक है, एक आपका ऑक्सीकरण होता है, दूसरा कैसा होता है आपका, अपचयन होता है। ठीक है, तो इसमें जो पदार्थ बनते हैं वो कैसे होते हैं आपके, मेटाबॉलिक बेस्ड होते हैं। ठीक है, कह रहा है लीवर स्मॉल क्वांटिटी या कम मात्रा में जो है अमोनिया प्रोड्यूस करता है, लीवर में अमोनिया का निर्माण होता है लेकिन कैसा होता है आपका, कम मात्रा में होता है। ठीक है, जिसे डीएमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, डीएमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, लीवर में अमोनिया का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, डीएमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इनमें से कुछ अमोनिया नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड के सिंथेसिस के लिए नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, कराता है। अब जो लीवर में आपकी अमोनिया बनी है वो क्या करती है, जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं कैसे होते हैं आपके, अनावश्यक, कैसे होते हैं, अनावश्यक। ठीक है, लेकिन आपके बॉडी के अंदर बनते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, अनावश्यक, लेकिन बनते कहाँ हैं आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड के सिंथेसिस के लिए यानी कि अनावश्यक अमाइनो एसिड के निर्माण के लिए क्या करता है, नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है। कौन, आपका लीवर में जो अमोनिया प्रोड्यूस होता है कम मात्रा में वो। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाता है आपका, अमाइनो एसिड बन जाता है। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है इनका बनना पोषक पदार्थों के तत्वों पर निर्भर करता है। अब आपके जो वेस्ट पदार्थ बनते हैं या वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उनका जो बनना वो किस पर डिपेंड करता है, पूरी तरह से आपके पोषक पदार्थों पर। ठीक है, या न्यूट्रिएंट्स पर हम कह सकते हैं डिपेंड करता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, मिनरल सबस्टेंस, कार्बोहाइड्रेट, फैट और मिनरल सबस्टेंस कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के बने होते हैं। ठीक है, मान लिया कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंटेंट ये जो है आपके सभी पदार्थ होते हैं। ठीक है,
कह रहा अतः इनसे बनने वाले वेस्ट भी क्या होंगे, इनके कंपाउंड ही हो सकते हैं। जो आपका कुछ आपके पदार्थ हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट और मिनरल सब्सटेंस, मान लो किसके हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने हैं, तो इनसे बनने वाला वेस्ट या आपका उत्सर्जी पदार्थ भी क्या होगा, इनका ही कंपाउंड होगा। ठीक है, किसका, कार्बन का, हाइड्रोजन का और किसका होगा आपका, ऑक्सीजन का। जैसे आपका क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका क्या हो गया, जल। ठीक है, तो ये आपके किसके हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ही बने हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपका नेक्स्ट अगर हम बात करें, आगे कह रहा है कि प्रोटीन तथा न्यूक्लिक एसिड क्या है आपका, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, इनमें आपका नाइट्रोजन भी पाया जाता है। तो कह रहा है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन के बने होते हैं, जो आपका प्रोटीन होता है और क्या है आपका न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो पाया जाता है, इनमें साथ ही साथ क्या रहता है, नाइट्रोजन भी पाया जाता है। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी इनमें पाया जाता है, इसलिए इनसे बनने वाले वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो CO2, H2O के अलावा आपका NH3 क्या हो सकता है, NH3 यानी कि अमोनिया भी होगा। ठीक है, क्या होगा, मान लो आपका कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड, H2O से क्या, H और ऑक्सीजन से क्या बन जाएगा आपका, H2 बन जाएगा। बाकी आपका जो नाइट्रोजन है ये किस में किया बनाएगा, ये तो ये वेस्ट पदार्थ क्या होगा आपका, एक NH3 भी यहाँ पर बनेगा। ठीक है, शरीर के लिए H2O, CO2 का इतना दुष्प्रभाव नहीं होता, मतलब कि H2O और कार्बन डाइऑक्साइड ये आपके शरीर के लिए इतना जो है हानिकारक नहीं होते हैं जितना कि नाइट्रोजन से बनी अमोनिया का होता है। ठीक है, किसका होता है, नाइट्रोजन से बनी अमोनिया का दुष्प्रभाव आपके शरीर के लिए ज़्यादा होता है अपेक्षा H2O और CO2 की। ठीक है, इन दोनों की तुलना में ऐसे वेस्ट प्रोड्यूस प्रोडक्ट जो नाइट्रोजन द्वारा निर्मित होते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट कहलाते हैं, जो आपके नाइट्रोजन से बने होते हैं। ठीक है, किससे बने होते हैं, जो आपके नाइट्रोजन द्वारा बने होते हैं, तो नाइट्रोजनस वेस्ट वेस्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो ये लाइन आपने याद रखनी है कि नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होता है, तो वे आपके पदार्थ या ऐसे आपके वेस्ट प्रोडक्ट या वेस्ट पदार्थ जो नाइट्रोजन द्वारा बने होते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट कहलाते हैं। ठीक है, याद रहेगा, जैसे आपका NH3 हो गया अमोनिया, और आपका यूरिया हो गया, और आपका यूरिक एसिड हो गया, और आपका क्या हो गया, ग्वानिन। तो इन सभी में क्या होता है, आपका नाइट्रोजन पाया जाता है, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, सभी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं। क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद जो आपका NH3 है वो कैसा होता है, आपका टॉक्सिक होता है या जहरीला होता है। ठीक है, NH3 एक जहरीला टॉक्सिक या जहरीला पदार्थ होता है, इसलिए शरीर से जल्द बाहर निकाल दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, टॉक्सिक या जहरीला होने के बाद कारण NH3 को जल्द से जल्द शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसा केवल जलीय या एक्वेटिक जंतुओं में ही संभव है। किन में होता है, जलीय जंतुओं में ही ऐसा होता है, जैसे फ्रॉग की अगर हम बात करें। कह रहा है अगर ऐसा नहीं हो पाता है, मतलब जो आपका NH3 है अगर वो शरीर के बाहर जल्द से जल्द ना निकल पाता किसी कारणवश, तो क्या होता है, अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो इन्हें कम जहरीले पदार्थों में बदलने की शरीर को आवश्यकता पड़ती है। तो क्या होता है भाई, जो आपका अमोनिया है इसको कम जहरीले पदार्थ या लेस टॉक्सिक पदार्थ में बदलने की आवश्यकता आपके शरीर को पड़ती है। ठीक है, जो क्या होता है, इसलिए बड़े जंतुओं में इसे यूरिया, यूरिक एसिड में बदल दिया जाता है। अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यूरिया और यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, बड़े जंतुओं में, उच्च जंतुओं की अगर हम बात करें यहाँ पर, कह रहे जंतुओं में उनके नाइट्रोजन एक्सक्रेशन के आधार पर तीन समूहों में बांटा गया है। ठीक है, जंतुओं को उनके नाइट्रोजन एक्सक्रेशन यानी कि नाइट्रोजन युक्त पदार्थों के उत्सर्जन के आधार पर उनको तीन वर्गों में बांटा गया है। वो कौन कौन से वर्ग हैं, फर्स्ट अगर हम बात करें तो नंबर एक हो जाएगा आपका अमोनोटैलिक एनिमल। क्या हो जाएगा, अमोनोटैलिक मीन्स अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले, कौन से हो जाएंगे आपके, अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले जंतु हो जाएंगे यहाँ पर। दूसरा है यूरियोटैलिक, ये कौन से जंतु होंगे, जो आपका यूरिया का उत्सर्जन करेंगे। ठीक है, किसका, यूरिया का उत्सर्जन करने वाले जंतु आपके यूरियोटैलिक कहलाएंगे। नेक्स्ट आपका है यूरिकोटैलिक, क्या है आपका, यूरिकोटैलिक, तो ये कैसे होंगे आपके, यूरिक एसिड उत्सर्जन करने वाले। ठीक है, यूरिक एसिड, तो ये कैसे जंतु होंगे, जो आपके यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते होंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले हम बात करेंगे अमोनोटैलिक या अमोनिया उत्सर्जी जंतु, ऐसे जंतु जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे फर्स्ट, ठीक है। तो कह रहा है इनमें नाइट्रोजन का उत्सर्जन NH3 के रूप में होता है, किसके रूप में होता है, NH3 के रूप में होता है, किसमें आपका अमोनोटैलिक में, ठीक है। अमोनोटैलिक जंतुओं में जो नाइट्रोजन है वो अमोनिया के रूप में बाहर निकलता है, ठीक है, याद रहेगा। कह रहा है चूंकि यह जल में अत्यंत घुलनशील होता है, कैसा होता है, अति विलय, यानी कि बहुत जल्दी यह जल में घुल जाता है, कौन आपका NH3, ठीक है, इसलिए यह जलीय जंतुओं में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, जलीय जंतुओं में जो है यह पाया जाता है अमोनिया संश्लेषण की क्रिया विधि, ठीक है। अब बात करेंगे कि आपका जो NH3 है वो किस तरह से बनता है, ठीक है, उसका संश्लेषण किस तरह से होता है, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ NH3 सिंथेसिस। तो यह दो प्रकार से संभव है, जो आपका NH3 है उसको दो प्रकार से जो है बनाया जा सकता है या बनता है आपके जंतुओं के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट अगर हम बात करें तो हाइड्रोलिटिक डीएमिनेशन, क्या होता है हाइड्रोलिटिक डीएमिनेशन, इसमें क्या होगा आपका जो अमाइनो एसिड होगा, ठीक है, अमाइनो एसिड का अमीन ग्रुप उसको हटा दिया जाएगा, ठीक है, अमाइनो एसिड से, तो वहाँ पर क्या बनेगा आपका NH3 बनेगा। कह रहा है इसमें विशिष्ट हाइड्रोजनेज, क्या होता है विशिष्ट हाइड्रोजनेज एंजाइम आपके कौन कौन से होते हैं, NAD, क्या होता है आपका NAD और DPN। NAD की अगर हम बात करें तो आपका क्या हो जाएगा निकोटिनामाइड, क्या होता है निकोटिनामाइड एडिनिन, निकोटिनामाइड एडिनिन, और क्या हो जाएगा आपका डाई न्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, जो कि आपका NAD हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा NAD हो जाएगा। दूसरा आपका है DPN, ठीक है, क्या है आपका DPN डाई फॉस्फोपाइरिडीन, क्या होता है आपका ये आपका DPN हो जाएगा, डाई फॉस्फोपाइरिडीन और आपका क्या हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, डाई फॉस्फोपाइरिडीन न्यूक्लियोटाइड। तो इस तरह से ये आपके क्या है, ये आपके दोनों एंजाइम है, ठीक है, ये आपके दोनों क्या है एंजाइम है, क्या है एंजाइम, जो कि आपके लिविंग सेल्स में पाया जाता है, ठीक है, किसमें, लिविंग ऑर्गेनिज्म या जीवित सेलों या जीवित कोशिकाओं में जो है पाए जाते हैं। इन एंजाइम द्वारा हाइड्रोजन निकाल कर, क्या होता है हाइड्रोजन निकाल कर अल्फा NH3 यानी कि अल्फा एमीन, ठीक है, या अल्फा अमोनिया अलग कर दिया जाता है। यहाँ पर क्या होगा इसका NH2, ठीक है, क्या होता है NH2 यानी कि अल्फा एमीन, ये अमोनिया के रूप में बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। कह रहा है साइटोसिन का यूरेसिल में हाइड्रोलिसिस स्पॉन्टेनियस डीएमिनेशन होता है, किसका भाई साइटोसिन किस में बदल जाता है यूरेसिल में, किसके द्वारा हाइड्रोलिसिस स्पॉन्टेनियस डीएमिनेशन, यानी कि जो आपका अमोनिया का अमाइनो एसिड का जो NH2 ग्रुप है वो क्या होता रहता है बाहर निकलता रहता है, ठीक है, उसका बाहर निकालना ही क्या कहलाता है डीएमिनेशन कहलाता है, क्या कहलाता है डीएमिनेशन। तो यह प्रक्रिया आपकी सतत रूप में होती रहती है इसलिए इसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस, क्या कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आपका एक अमाइनो एसिड दे रखा है, ठीक है, क्या है ये आपका अमाइनो एसिड है जिससे आपका NH2 अल्फा अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है ये आपका अल्फा अमाइनो ग्रुप लगा हुआ, और ये आपके दोनों एंजाइम आ जाएंगे, ठीक है, क्या आ जाएंगे आपके एंजाइम, ठीक है, क्या है DPN और NAD, ठीक है, क्या है आपका DPN और NAD एंजाइम है। इसके उपस्थिति में क्या होगा ये आपका जो NH2 ग्रुप लगा हुआ है ये यहाँ से आपका क्या हो जाएगा हाइड्रोलिसिस हो जाएगा इसका, ठीक है, और यहाँ से ये NH2 ग्रुप जो है NH3 की फॉर्म में यानी कि अमोनिया की फॉर्म में जो है बाहर निकल जाएगा, ठीक है, किसकी फॉर्म में बाहर निकल जाएगा अमोनिया की फॉर्म में, यहाँ से जो है आपका NH3 बाहर निकल जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट। और यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका ये कीटो एसिड बन जाएगा यानी कि बाकी आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी जो है इसके साथ ही साथ यहाँ से रिलीज हो जाएगा, ठीक। दूसरा किस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है, कह रहा ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। अब क्या होगा जो आपका एमीन ग्रुप होगा, ठीक है, क्या होगा एमीन ग्रुप वो आपका ऑक्सीडेटिव यानी कि ऑक्सीजन
के द्वारा उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है। सेकंड आपका ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन द्वारा। इनमें अल्फा अमाइनो ग्रुप ऑक्सीजन द्वारा क्या कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। जो आपका अल्फा अमाइनो ग्रुप होता है, एनएच टू ग्रुप होता है, उसको ऑक्सीजन द्वारा क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा और ऑक्सीजन उसकी जगह पर स्वयं आ जाएगा, ठीक है। इनमें अमीनो ऑक्सीडेज एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है, तो यहाँ पर आपका जो एंजाइम होगा वो कौन सा होगा, अमाइनो ऑक्सीडेज, ठीक है। इसमें अल्फा कीटो एसिड और अदर ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट जो आपके कैसे होते हैं, अमाइन कंटेनिंग कंपाउंड भी बनते हैं। क्या बनता है इसमें, आपका अल्फा कीटो एसिड बनेगा और क्या होगा, अदर ऑक्सीडाइज यानी कि अन्य अपचय, ठीक है, या ऑक्सीकृत पदार्थ भी इसमें बनेंगे, ठीक है, जिनमें क्या होगा आपका अमाइन कंटेनिंग कंपाउंड, जिनमें आपका NH2 ग्रुप आपका पाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर हम बात करें, ये आपका दे रखा है अल्फा अमाइनो एसिड, क्या है आपका अमाइनो एसिड, यहाँ पर CH सिंगल बॉन्ड NH2 लगा हुआ है, क्या है CH सिंगल बॉन्ड NH2 लगा हुआ है, इसका क्या कर दो, अमाइनो ऑक्सीडेज की उपस्थिति में इसका हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है, क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन, यानी कि तो क्या होगा, जो आपका कार्बन से हाइड्रोजन लगा है, कार्बन से लगा हाइड्रोजन और इससे क्या लगा आपका NH2 ग्रुप लगा है, ठीक है, इस तरह से। तो ऑक्सीजन के द्वारा क्या कर दिया जाएगा आपका NH3 को, ठीक है, इस NH3 को हटा दिया जाएगा, ठीक है, और कार्बन कहाँ आ जाएगा, इस वाले ऑक्सीजन पे आके लग जाएगा, ठीक है, इस तरह से। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा तो यहाँ से आपका एक कीटो बन जाएगा, दूसरा क्या होगा NH3 जो है यहाँ से आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है, इस तरह से आपका NH3 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा आपका अमाइनो का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा अमाइनो एसिड का ऑक्सीडेशन, और यहाँ से इस तरह से NH3 आपकी बाहर निकल जाएगी। कह रहा है इस प्रकार बनी NH3 के निकालने के लिए किसी प्रकार के ऑर्गेन की आवश्यकता जो है नहीं होती है। इस तरह से आपका जो NH3 बनता है इसको निकालने के लिए किसी विशेष प्रकार के ऑर्गेन की आवश्यकता नहीं होती है, किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है। यह डिफ्यूजन द्वारा जल में विसरित कर दी जाती है, किसके द्वारा, डिफ्यूजन द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, डिफ्यूजन होता है या विसरण होता है, विसरण की क्रिया के द्वारा क्या हो जाता है, ये जल में जो है विसरित कर दी जाती है। उदाहरण कह रहा सभी जलीय इनवर्टिब्रेट्स, जितने भी आपके जलीय जंतु होते हैं उनमें इस तरह से अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और क्या करते हैं वो डिफ्यूजन द्वारा उसको जल में विसरित कर देते हैं, ठीक है, डिफ्यूजन द्वारा क्या करते हैं, जल में विसरित कर देते हैं। सेकंड आपने देखा था कि आपका क्या था, यूरियोटेलिक एनिमल्स, क्या था आपका, यूरियोटेलिक मीन्स यूरिया का उत्सर्जन करने वाले, क्या यूरिया का उत्सर्जन करने वाले एनिमल्स या जंतुओं की अगर हम बात करें तो ये क्या होंगे, कह रहा है यूरिया की सिंथेसिस लीवर में होती है, क्या होती है, यूरिया आपका लीवर में बनता है, यह एक क्या है आपका साइक्लिक या चक्रीय रिएक्शन द्वारा होती है, ठीक है, किसके द्वारा, साइक्लिक रिएक्शन के द्वारा जो है यूरिया का सिंथेसिस कहाँ होता है आपके लीवर में होता है, ठीक है। कह रहा है जिससे ऑर्निथिन साइकिल या ऑर्निथिन चक्र कहते हैं इसे, और क्या कहते हैं, ऑर्निथिन चक्र भी कहते हैं, ठीक है। कह रहा है इस क्रिया में काम आने वाले सभी एंजाइम को एंजाइम, इस क्रिया में जो आपके एंजाइम प्रयुक्त होते हैं या एंजाइम भाग लेते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको को एंजाइम कहते हैं, क्या कहते हैं, को एंजाइम तथा कैटालिस्ट और एनर्जी लीवर कोशिकाओं में उपलब्ध होती है, ठीक है, क्या होते हैं, इस क्रिया में जो आपके एंजाइम भाग लेते हैं वो कैसे होते हैं, को एंजाइम कैटालिस्ट होते हैं, ठीक है, को एंजाइम और आपके कैटालिस्ट भाग लेते हैं। कह रहा है और एनर्जी लीवर कोशिकाओं में उपलब्ध होती है, कहाँ होती है एनर्जी, लीवर कोशिकाओं से जो है प्राप्त होती है, ठीक है। कह रहा है इस चक्र के अंत में ऑर्निथिन एक बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है, ऑर्निथिन क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ बाई प्रोडक्ट, यानी कि दो पदार्थों के रूप में बाहर निकल जाता है, ठीक है, जो फिर से इस साइकिल को चलाने में मदद करता है। अब ये साइकिल आपकी दोबारा से चलने लगती है, दोबारा से ये साइकिल फिर से रिएक्शन होती रहती है। इसमें ये कह रहा है यूरिया के बनाने की आवश्यकता तब पड़ती है जब सेल NH3 डिफ्यूज करने में असमर्थ हो जाता है, मतलब सेल से NH3 को बाहर ना निकाल पाए विसरण के द्वारा, तब जाके क्या होता है अमोनिया को बनाने की, यूरिया को बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। जो आपका NH3 है जलीय जंतुओं में, इसको अगर वो डिफ्यूज नहीं कर पा रहे, अपने शरीर द्वारा विसरित नहीं कर पा रहे, तब जाके यूरिया को बनाने की आवश्यकता पड़ती है।
जैसे मेंढक पानी में NH3 तथा जल पर यूरिया एक्सक्रेट करता है, ठीक है। पानी में तो NH3 उत्सर्जित करेगा, लेकिन जब वो जल में ऊपर रहेगा, ठीक है, पानी में क्या करेगा, गलत लिख, पानी में NH3 और जल नहीं, यहाँ पर क्या होगा, थल, ठीक है, या पृथ्वी पर क्या करेगा, यूरिया सिक्रेट करता है, ठीक है, या यूरिया का उत्सर्जन करता है, ठीक है। तो जल में क्या NH3 और थल या स्थल पर क्या करता है, यूरिया का सिक्रेशन करता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपके किस तरह से होती है, ऑर्निथिन वाली, कह रहा द ऑर्निथिन साइकिल डायग्रामेटिक, ऑर्निथिन चक्र भी जिसे कहते हैं। तो ये रिएक्शन आपकी कहाँ से शुरू होती है, ये रिएक्शन आपकी ऑर्निथिन से ही शुरू होती है। कहाँ से होती है, ऑर्निथिन, ठीक है, जो कि बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाता है। क्या, एक यूरिया बनता है, दूसरा क्या बनता है आपका, ऑर्निथिन। तो ऑर्निथिन में अगर हमने क्या करा, मान लो ऑर्निथिन में हमने क्या डाल दिया, NH3 और H2O, ठीक है, दोनों को, दोनों के मिश्रण से ये क्या बना लेगा, एक सिट्रुलिन बना लेगा। क्या बना लेगा, सिट्रुलिन नाम का एक पदार्थ बना लेगा, जिसकी द्वारा से हमने क्या कर दिया, प्लस NH3 इसमें हमने और मिला दिया, क्या कर दिया, प्लस NH3 और बाहर क्या निकाल दिया हमने, H2, ठीक है, प्लस NH3, यानी कि कुछ मात्रा इसमें और बढ़ गई, किसकी, अमोनिया की, और जल की मात्रा क्या होगी उसमें से कम होगी, तब जाके आपका क्या बनता है, आर्जिनिन। क्या बनता है आपका, आर्जिनिन, आर्जिनिन नाम का एक आपका पदार्थ बनता है, जो दोबारा पुनः जल का अवशोषण करके या जल को ग्रहण करके, ठीक है, पुनः इस जल को ग्रहण करके क्या बनाता है, ये बनाता है आर्जिनेज। क्या बनाता है, आर्जिनेज, ठीक है। आर्जिनेज आगे चलकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपका यूरिया और आपका ऑर्निथिन बना लेता है, ठीक है। अभी जो आपका आर्जिनेज है ये क्या बनाएगा, आपका यूरिया और आपका क्या बना लेगा, ऑर्निथिन। तो इस तरह से यहाँ पर आपका साइकिल जो है ये यूरिया बन जाता है, और साइकिल यहाँ से फिर आगे इसी तरह से चलता रहता है, फिर यूरिया बन जाएगा और फिर आपका साइकिल जो है इसी तरह से आगे कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है, जिससे यूरिया का फॉर्मेशन जो है लगातार होता रहता है। थर्ड आपका क्या था, थर्ड आपका था यूरिकोटैलिक, ठीक है, यूरिकोटैलिक यानी कि यूरिक एसिड का उत्सर्जन करने वाले जंतु क्या कहलाते हैं आपके, यूरिकोटैलिक कहलाते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि ऐसे जंतु होते हैं जो पानी में अत्यंत कमी में रहते हैं, यानी कि पानी की जहाँ बहुत कम कम आवश्यकता पड़ती है या जहाँ पानी कम होता है वहाँ पर ये जंतु रहते हैं, जैसे डिजर्ट, रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु आपके इंसेक्ट्स हो गया या रेप्टाइल हो गया, बर्ड्स आदि, ठीक है, कीड़े हो गए आपके, चिड़िया हो गई, और जो रेंगने वाले जंतु होते हैं, तो ये सभी जो है आपके, बात कर रहे हैं किसकी, रेगिस्तान की, ठीक है। यूरिक एसिड लीस्ट पॉइजनस और लीस्ट सोल्यूबल होता है, ठीक है, क्या होता है, जो आपका यूरिक एसिड होता है किसमें, इंसेक्ट्स हो गया, रेप्टाइल हो गया, और आपका क्या हो गया, बर्ड्स हो गया, ठीक है, इनमें यूरिक एसिड पाया जाता है, जो कैसा होता है आपका, लेस पॉइजनस यानी कि कम टॉक्सिक या कम जहरीला, और लीस्ट सोल्यूबल और कम ही सोल्यूबल होता है, ठीक है, कैसा होता है, कम सोल्यूबल या कम घुलनशील होता है, बर्ड्स, पक्षी और स्नेक लिजार्ड्स यूरियोटैलिक होते हैं, कैसे होते हैं, ये यूरियोटैलिक यानी कि ये आपका जो चिड़िया हो गई, पक्षी और आपके जो स्नेक्स हो गए, ठीक है, सर्प और लिजार्ड या छिपकलियाँ, ये सभी कैसे होते हैं, यूरियोटैलिक यानी कि ये यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं, किसका उत्सर्जन करते हैं, यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। कह रहा है यूरिक एसिड की सिंथेसिस भी लीवर में होती है, कहाँ होती है भाई, यूरिक एसिड आपका किस में बनता है, लीवर में बनता है, ठीक है, यह एक चेन रिएक्शन द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, इसमें भी आपकी एक चेन रिएक्शन पाई जाती है जो नीचे दी गई है, ठीक है, जो आपकी चेन रिएक्शन है यूरिक एसिड की, वो आपकी नीचे दी गई है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। कह रहा है बहुत अधिक पानी होने पर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कंपाउंड को किस रूप में शरीर से बाहर निकाला जाए, यह जंतु के माध्यम पर निर्भर करता है, मतलब जंतु पर ही डिपेंड करता है कि आपका जो नाइट्रोजन कंपाउंड है उसकी मात्रा अगर पानी में अधिक है, ठीक है, बहुत अधिक पानी होने पर, पानी अगर ज़्यादा है तो शरीर उस जंतु के शरीर पर ही डिपेंड करता है कि जो नाइट्रोजन के कंपाउंड है उनको शरीर से बाहर किस रूप में निकाला जाए, ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है, आपके जंतु के माध्यम पर, ठीक है। अब कह रहा है जो आपका टैडपोल होता है, क्या होता है, टैडपोल ये मेंढक का लार्वा, ठीक है, तो ये जल में NH3 एक्सक्रेट करता है, जल में क्या करता है आपका, NH3 का उत्सर्जन करता है, ठीक है, किसका, NH3 का उत्सर्जन करता है, ठीक है, कब, जब ये आपका कहाँ रहता है, जल में।
मेंढक की अगर हम बात करें तो जल में क्या करता है आपका NH3 का उत्सर्जन करता है, किसका NH3, लेकिन आपका स्थल पर क्या करता है ये यूरिया का उत्सर्जन करता है, ठीक है। NH3 का ज़्यादा और यूरिया का कम, कब, जब जल की बात करें, ठीक है। यानी कि फ्रॉग है आपका किस में है, जल में, जल में होने पर NH3 यानी कि अमोनिया ये अधिक मात्रा में उत्सर्जित करेगा, और जो आपका यूरिया है क्या है, यूरिया ये आपका कम मात्रा में उत्सर्जित करेगा, कौन, फ्रॉग, ठीक है। जल में NH3 ज़्यादा और यूरिया कम उत्सर्जित करता है फ्रॉग, ठीक है। फ्रॉग अगर हम थल पर बात करें, किस पर, थल पर, तो केवल क्या करता है यूरिया का एक्सक्रेशन करता है या यूरिया का उत्सर्जन करता है, ठीक है, किस पर, थल पर, पानी में कम यूरिया और NH3 ज़्यादा उत्सर्जित करता है, ठीक है। इसी प्रकार घड़ियाल जल में NH3 तथा पृथ्वी पर यूरिया या यूरिक एसिड सेक्रेट एक्सक्रेट करते हैं, ठीक है। जो आपके घड़ियाल होते हैं जल में पाए जाते हैं तो वो क्या करते हैं NH3 जल में NH3 का उत्सर्जन करते हैं, पृथ्वी पर यूरिया या यूरिक एसिड उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। कह रहा है मॉडिफिकेशन ऑफ नाइट्रोजन एक्सक्रेशन, जो आपका नाइट्रोजन का उत्सर्जन है उसका कुछ मॉडिफिकेशन दे रखा है। NH3 यूरिया तथा यूरिक एसिड के अलावा भी कुछ नाइट्रोजन कंपाउंड विभिन्न जंतुओं में बनाए जाते हैं, किसके अलावा, आपका NH3 हो गया, यूरिया और यूरिक एसिड के अलावा भी कुछ नाइट्रोजन पदार्थ ऐसे हैं जो जंतुओं में बनाए जाते हैं, जैसे नंबर एक ग्वानिन की अगर हम बात करें, किसकी, ग्वानिन, ये मकड़ियों एवं पेंगुइन में बनता है, किसमें बनता है, मकड़ी और पेंगुइन में, जो कि आपका क्या है, ग्वानिन नाइट्रोजनस बेस्ड है, ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग पदार्थ है आपका, किसमें बनता है, मकड़ी और पेंगुइन में बनता है, ठीक है। सेकेंड आपका कह रहा है ट्राइमिथाइल एमीन ऑक्साइम, क्या है आपका, TMO, ट्राइमिथाइल एमीन ऑक्साइम, ये कह रहा है इलास्मो ब्रांच मछलियों में बनता है, किस में बनता है आपका, मछलियों में पाया जाता है, ठीक है, ट्राइमिथाइल एमीन ऑक्साइम, और कह रहा है ओस्मो रेगुलेशन करने में मदद करता है, किस में मदद करता है भाई, ओस्मो रेगुलेशन को ये बनाए रखता है, ठीक है। थर्ड ऑर्निथिनिक एसिड, क्या है आपका, ऑर्निथिनिक एसिड, यह नाइट्रोजन कंपाउंड वर्ड्स में बनता है, किसमें बनता है, चिड़ियों में बनता है, ठीक है, बर्ड्स में ये जो है आपका बनता है, ठीक है, नाइट्रोजनस चिड़ियों, कह रहा है ऑर्निथिन आर्जिनिब से प्रोड्यूस होता है, किससे होता है, जो आपका ऑर्निथिन है वो किससे बनता है आपका, आर्जिनिब से बनता है, ठीक है, किससे बनता है, आर्जिनिब से जो है प्रोड्यूस होता है या बनता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑर्निथिनिक एसिड। फोर्थ आपका है हिप्यूरिक एसिड, क्या है आपका, हिप्यूरिक एसिड, ये स्तनधारियों में यूरिया के साथ हिप्यूरिक एसिड भी एक्सक्रेट होता है, ठीक है। जो आपके स्तनधारी होते हैं, मैमल्स होते हैं, उनमें क्या होता है, यूरिया के साथ आपका हिप्यूरिक एसिड का भी उत्सर्जन होता है। फिफ्थ कह रहा है टेराइंस, क्या है आपका, टेराइंस, ठीक है, यह तितली और मोथ में बनता है, किसमें बनता है, तितली और मोथ में बनता है आपका टेरेंस, ठीक है, क्या, टेरेंस, किसमें बनता है, तितली और मोथ में, ठीक है, जो कि आपका नाइट्रोजनस कंटेनिंग कंपाउंड है, कह रहा है, और इनके पिगमेंट के रूप में शरीर पर दिखाई देता है, ठीक है, किस पर दिखाई देता है, इनके बॉडी पर ही पिगमेंट के रूप में दिखाई पड़ता है हमको, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी कुछ एक रिएक्शन दे रखी है, ये आपने याद कर लेनी है, ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लेनी है। सबसे पहले आपका क्या दे रखा है, एडेनिन, ठीक है, क्या है आपका, एडेनिन, जो कि एडेनेज एंजाइम की उपस्थिति में, किसकी, ये आपका क्या, एडेनेज एंजाइम, ठीक है, तो एडेनिन एडेनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या बनाता है आपका, हाइपोजेंथिन, क्या बनाता है, हाइपोजेंथिन, जो कि आपका अनस्टेबल कंपाउंड होता है, कैसा होता है, अस्थायी कंपाउंड, ठीक है, अस्थायी यौगिक होता है, ठीक है। तो क्या करा भी, एडेनिन जो था एडेनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या बना रहा है आपका, हाइपोजेंथेज बना रहा है, ठीक है, हाइपोजेंथिन बना रहा है, जो कि आपका अनस्टेबल या अस्थायी यौगिक होता है, ठीक है, यानी कि ये दोबारा से किसी और पदार्थ में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, स्टेबल नहीं होता है। ग्वानिन की अगर हम बात करें, ये आपका एडेनिन हो गया, ग्वानिन की अगर हम बात करें तो ग्वानिन से क्या क्या बनता है, ग्वानिन ग्वानेज नामक एंजाइम, ये क्या होता है, ग्वानेज नामक
एंजाइम होता है जो कि आपका जैंथिन बनाता है। क्या बनाता है? जैंथिन बनाता है, जो कि आपका कैसा होगा, ये स्टेबल होता है या स्थाई होता है। कैसा होता है? स्थाई होता है। अब जो आपका जैंथिन बना है, ये आपका जैंथिन ऑक्सीडेज करके, क्या जैंथिन का क्या हो जाता है? ऑक्सीडेज हो जाता है। ऑक्सीडेज करके क्या बनाता है? ये आपका यूरिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है? आपका यूरिक एसिड का फॉर्मेशन जो है करता है, ठीक है। क्या करता है? यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है कौन? जैंथिन का। जैंथिन ऑक्सीडेज हो जाता है तब, ठीक है। अब ये यूरिक एसिड बन गया, ये क्या कह रहा है कि इस रूप में पानी की बहुत कमी पर एक्सक्रेस्ट होता है। क्या होता है? ये जो आपका यूरिक एसिड है, ये कब एक्सक्रेट होगा? जब पानी की कमी हो जाएगी, ठीक है। क्या होगा? पानी की बहुत सी कमी होगी, ठीक है। बहुत कम पानी होगा तब क्या होगा, आपका यूरिक एसिड जो है एक्सक्रेट होगा, ठीक है। अन्यथा आपका जो यूरिक एसिड है वो किस में बदल जाएगा? यूरेज एंजाइम की उपस्थिति में, ठीक है। यूरेज आपका क्या है? एंजाइम है। इसकी उपस्थिति में क्या बन जाएगा? आपका एलेंटोइन बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा? एलेंटोइन बन जाएगा। अब ये एलेंटोइन क्या करेगा? एलेंटोइनेज एंजाइम की, ठीक है, एलेंटोइनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या बना लेगा? एलेंटोइक एसिड। क्या बना लेगा? एलेंटोइक एसिड, ठीक है। किसकी उपस्थिति में? एलेंटोइनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या बन जाएगा? एलेंटोइक एसिड बन जाएगा। फर्दर ये जो आपका एलेंटोइक एसिड है, ये आपका एलेंटोइकेज, ठीक है। क्या? एलेंटोइकेज, जो कि आपका एक प्रकार का एंजाइम है, ठीक है। क्या है आपका? एक प्रकार का एंजाइम है। इसकी उपस्थिति में क्या, ये आपका यूरिया और आपका क्या बना लेगा? ग्लाइऑक्सैलिक एसिड। क्या बना लेगा? यूरिया और ग्लाइऑक्सैलिक एसिड बना लेगा। कौन? एलेंटोइक एसिड। किसकी, कौन से एंजाइम की उपस्थिति में? एलेंटोइकेज एंजाइम की उपस्थिति में, ठीक, यूरिया और ग्लाइऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। तो ये दो चीजें बन जाएंगी। और ये जो आपका यूरिया है, क्या है? यूरिया, ये द्वारा यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में NH3 और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। यानी कि यूरिया है आपका किसकी उपस्थिति में? यूरिएज की उपस्थिति में क्या बना लेता है? ये आपका NH3 और CO2 बना लेता है, ठीक है। अब जो आपका यूरिया है, ये कब उत्सर्जित होता है? कह रहा पानी की कम कमी होने पर, यानी कि पानी की कमी कम होगी, ठीक है। यहाँ पर कैसी थी? पानी की बहुत कमी थी, तब आपका यूरिक एसिड उत्सर्जित हो रहा था। लेकिन पानी की कमी अगर कम है, ठीक है, पानी की कमी कैसी है? कम है, मतलब जितना पानी चाहिए आपको उतना नहीं है, बट है, यहाँ पर जितना पानी चाहिए था उतना भी नहीं है, ठीक है, उतना भी नहीं है। तो ये कैसा हो जाएगा? यहाँ पर पानी की बहुत कमी हो जाएगी, तब क्या होगा? यूरिक एसिड उत्सर्जित होगा। लेकिन पानी की कम कमी होने पर, ठीक है, पानी की कमी है लेकिन बहुत ज़्यादा कमी नहीं है, तो ऐसा होने पर क्या होगा? आपका यूरिया का उत्सर्जन होगा, ठीक है। किसका उत्सर्जन होगा? आपका यूरिया का उत्सर्जन होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 90, जो कि आपका नाइट्रोजनस बेस पूछ रहा था और आपसे पूछा था कि अमोनोटैलिक क्या होता है, यूरोटैलिक और यूरकोटैलिक आपके एनिमल्स क्या होते हैं, उनको हमने सबको एक एक करके पढ़ा था और इनका फॉर्मेशन भी पढ़ा था कि अमोनिया का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, ठीक है। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि ये सबको आपको समझ में आया होगा। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयर द वीडियो। वीडियो को अपने साथियों को शेयर भी कर दिया करो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।